ये आप हमारे लिए लाए माता जी? हाँ, ये हमारे एल्बम के टी-शर्ट है। इसे लिखा भी है प्राइम इंडिया दीपक सिंह। थैंक यू सो मच माता जी। जंबो जंबो बना हबारी गानी मुजूरी साना। ये भारत में रहकर कृष्ण का प्रचार तो कर ही रही थी, अभी जाके विदेश में जाके एल्बम वगैरह बना रही है। वहाँ के जो सॉन्ग है ना पॉपुलर सॉन्ग, उन सॉन्ग का ना रेमिक्स बनाया। हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्ण माता जी, कैसे है आप? मैं ठीक हूँ। तो बढ़िया है क्योंकि अब तो हम वृंदावन आ गए हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। आप किस देश से माता जी, एक बार इन्हें बता दीजिए तो देख लेंगे। मैं एक छोटे से देश से हूँ जो अफ्रीका में पड़ता है, केन्या, ईस्ट अफ्रीका में पड़ता है। माता जी केन्या से है और इनकी हिंदी देखो आप कितनी कमाल की है। ये हाँ, भारत में तो भक्ति के लिए आती है, बाकी पूरे दुनिया में नहीं, ट्रेवल करती रहती है सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रीचिंग करने के लिए, पूरी दुनिया में ट्रेवल करती है। इनके साथ पूरा इंटरव्यू करेंगे प्राइम इंडिया पे। बाकी अभी देखो यहाँ पे हम लोग साथ इंटरव्यू कर सकते हैं यहाँ पे। ये आप हमारे लिए लाए माता जी? हाँ, ये हमारे एल्बम के टी-शर्ट है। इसे लिखा भी है प्राइम इंडिया दीपक सिंह। थैंक यू सो मच माता जी। ये केन्या से लाए आप? हाँ। देखिए और ये एल्बम है, ये माता जी का एल्बम है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे अभी इंटरव्यू में। बाकी तो आप इनकी, थैंक यू सो मच, इन्हें भी डाल देना दोस्त। थैंक यू सो मच माता जी फॉर दिस ब्यूटीफुल गिफ्ट, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी आप केन्या गए, आपने वहाँ पे एक एल्बम रिलीज किया है जो कि वहाँ पे सनातन धर्म का प्रचार करेगा, कृष्ण का प्रचार करेगा, उस बारे में थोड़ा बताइए कि आपके एल्बम के बारे में, क्या आपका एल्बम है, क्या आपका गोल है, कैसा आप इसे एग्जीक्यूट कर रहे हो, इस बारे में थोड़ा बताइए। तो हमारा एल्बम है जाम्बो कीर्तन। जाम्बो का मतलब है जैसे वृंदावन में कहते हैं राधे राधे, और या राधे श्याम, वहाँ अफ्रीका में कहते हैं अगर आप कभी भी केन्या में आए तो आप कहो जाम्बो। तो हमने ये एल्बम का नाम पहले सोचा था कि हम इसका नाम रखेंगे संकीर्तन। जाम्बो जाम्बो बना हबारी गानी मुजूरी साना, वो कहते हैं कि इसका मतलब है गाने, मैं गाने का मतलब है कि आइए आइए केन्या में आइए, ये बहुत बहुत अच्छा देश है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा 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 हरे हरे। तो हमने जो महामंत्र है प्लग कर दिया और ये गाना इतना फेमस हो गया, जो वहाँ के लोकल ट्राइब्स हैं उन्होंने सुना, और ये जो नया ट्यून है बहुत अप्रिशिएट किया, 10,000 से भी ज़्यादा लोगों ने। हाँ, आपने वहाँ का एक पॉपुलर गाना लिया, उसी थीम पे उसी उसका एक तरह से रेमिक्स बना दिया। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का। एग्जैक्टली, लोग उसे लाइक भी कर रहे हैं। हाँ, क्योंकि हम हमारे शास्त्रों में क्या लिखा है, श्रवणम श्रवणम कीर्तनम, श्रवणम का मतलब है सुनना। जो भी कीर्तन महामंत्र कीर्तन गा रहा है, महामंत्र का प्रचार कर रहे हैं, बस सुनने से उसका उद्धार हो जाता है। इंटरव्यू तो हो गया था पूरा, अब राहुल भैया करेंगे। शुरू करो भैया जी, शुरू करें माता जी इंटरव्यू। चलिए भाई, मेरा कैमरा मैन है राहुल, राहुल का कैमरा मैन हूँ मैं, ऐसे चलता है ये काम हमारा। चलो भाई, अब हो चुका है इनका इंटरव्यू शुरू। तो ये लाइफ हमारे वृंदावन में, ये देखिए वृंदावन की गौशाला है पीछे, कुछ गाय है, फिर उधर भी रहती है, फिर उधर भी गाय है, तो काफ़ी बड़ी गौशाला देखिए पीछे। और पीछे ना अभी 4 बजे ना 3 बजे वहाँ पे प्रसाद शुरू हो जाता है, प्रसाद सेवा। तो गौशाला में आप 3 बजे ना यहाँ पे भोजन भी ले सकते हैं, बढ़िया खाना बनाते हैं, टेस्ट वगैरह सब बढ़िया रहता है। 3 बजे रोजाना आपको यहाँ पे प्रसाद मिल जाएगा। अभी हमने माता जी के साथ इंटरव्यू कर लिया है, लगभग 1 घंटे का रहा है, और माता जी की बहुत ही कमाल की जर्नी रही है। जन्म हुआ केन्या में, US और लंदन में इनकी एजुकेशन हुई है, और अभी उन्होंने ना केन्या में जाके एक एल्बम अपना लॉन्च किया है, जिसमें कि उन्होंने मतलब बहुत ही खतरनाक चीज़ें हैं उस एल्बम में, वो सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएंगे एल्बम के बारे में डिटेल, और उस इंटरव्यू में सारी जानकारी मिल जाएंगी। माता जी धन्यवाद, आप इतना कुछ कर रहे हैं इस देश के लिए। ये भारत में रहकर कृष्ण का प्रचार तो कर ही रही थी, अभी जाके विदेश में जाके एल्बम वगैरह बना रही है। वहाँ के जो सॉन्ग्स हैं ना पॉपुलर सॉन्ग, जैसे केन्या के 1-2 पॉपुलर सॉन्ग थे, और उन सॉन्ग का ना रेमिक्स बनाया, हरे कृष्ण महामंत्र या भारत के जो भजन है उनसे रिलेटेड करके कुछ ऐसा करके। कौन सा वाला था मैम आपका, जो हरे कृष्ण वाला था, वो कौन सा गाना था वहाँ पे? जाम्बो कीर्तन जी, जो कि स्वाहिली में गाया गया है। स्वाहिली केन्या की मातृभाषा है, और हमने इसको बहुत सारी डिफरेंट अफ्रीकन लैंग्वेजेस में भी गाए हैं, ताकि लोगों को महामंत्र के बारे में पता चल सके, और वो भी सुन सके, और इस मंत्र का जो लाभ है वो भी ले सके। चलिए, तो आप माता जी का पूरा इंटरव्यू देखिए, वो आपको प्राइम इंडिया मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, और माता जी के जो एल्बम है, जो सॉन्ग है, जो भजन है, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी आपका।